हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो आज फिर से खेलने वाले माइनक्राफ्ट, और ये अपना वो नया वाला वर्ल्ड है। तो भाई मैं यहाँ से निकल रहा था कि मैंने देखा रुको, यहाँ पर पहले तो मेरे ऊपर हमला हुआ भाई। मुझे लगा पता नहीं किसने मारा, पर मैं जय भी गौर से देखने की कोशिश की तो मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं दिखा। तो मैंने सोचा चलो वैसे कोई ग्लिच वगैरह हो सकता है भाई। तो फिर यहाँ पर देखो मुझे एक पोर्टल मिला भाई, जिसके अंदर दो गोल्ड ब्लॉक हैं और एक चेस्ट है। चेस्ट के अंदर क्या है हम देख लेते हैं। ओहो, तीन ऑप्सीडियन मिले और एक हमें गोल्ड की स्वॉर्ड मिली है, गोल्ड का एप्पल मिला, कुछ फ्लिंट एंड स्टील मिला है। फ्लिंट एंड स्टील तो नहीं है, अकेला फ्लिंट मिला है। और ये बॉल किस काम की वो मुझे नहीं पता। सारा कुछ मैंने अपने बैग में ट्रांसफ़र किया। तो भाई फिर मैं यहाँ से सोचने लगा कि चलो अभी जो अपना गोल्ड बचा हुआ वो भी ले लेता हूँ। एक ऊपर है और एक नीचे, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, ये जो लावा है इसे पहले बंद करना पड़ेगा। तो मैंने अपना कोबलस्टोन सेलेक्ट किया और भाई इसको बंद कर दिया इस कुछ इस तरह से। तो मैं देखो जा रहा था भाई, क्योंकि मुझे कोई अच्छी सी जगह ढूंढनी है जहाँ पे मैं अपना घर बना सकूँ। तो अब मैं गोल्ड ब्लॉक निकालने के लिए अपनी जो आयरन की पिकैक्स है वो ले लेता हूँ भाई। तो मेरी आयरन की पिकैक्स आ गई, जैसे मैंने तोड़ा भाई गई भैंस पानी में, सारा का सारा लावा इस ब्लॉक के नीचे से निकल करके यहाँ आ गया। तो भाई मेरा एक ब्लॉक तो पूरा का पूरा लावा में धस चुका है, अब बचा सिर्फ एक, तो उसको मुझे किसी न किसी तरह नीचे उतारना। तो पहले इसको बंद किया मैंने, तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ भाई, वो ऊपर जो रखा हुआ है उसको भी तोड़ने वाला हूँ। और अभी उम्मीद करते हैं कि ये भी लावा में ना जा गिरे या फिर नीचे तो आ ही जाए। ओके, वहाँ से सीधा उसी ब्लॉक पर आया है भाई। तो यहाँ से अगर ये ब्लॉक नहीं लगाता तो ये भी लावा में चला गया अब तक। तो अब देखो मुझे मिल चुका है मेरा गोल्ड ब्लॉक, जिससे मैं गोल्ड की आयरन गोल्ड की ब्लॉक बना सकता हूँ। इंगोट बना सकता हूँ, सॉरी मैं भी भूल जाता हूँ कभी कभी। तो भाई मैं यहाँ से जा रहा था अपने कंपस के हिसाब से। तो मेरे पास एक कंपस है, तो जहाँ पे ये कंपस काम करना बंद कर देगा मैं वहीं पे बेस बनाने वाला हूँ। और ये जगह वो होने वाली है जहाँ पर मैं स्पॉन हुआ था भाई। तो जहाँ मैं स्पॉन हुआ था ये कंपस वहीं की लोकेशन दिखा रहा था। तो मैंने सोचा फिर ऐसा ही करते हैं भाई, मैं वहीं पर घर बनाऊँगा जहाँ मैं स्पॉन हुआ था। तो मैं पहुँच गया इस जगह के ऊपर जहाँ मैं स्पॉन हुआ था, और यहाँ पर मुझे अच्छी खासी ये जगह भी देखने को मिल गई जहाँ की मैं अपने बेस बना सकता हूँ। तो मैंने सोचा भाई चलो ये जगह बहुत अच्छी लग रही है, तो मैं अपना बेस यहीं पे बनाऊंगा आज। तो सामने भी एक बहुत अच्छा प्यारा सा व्यू दिख रहा है, और पीछे की साइड जंगल है पूरा। तो भाई ये बर्फीला इलाका, तो मुझे ये बहुत पसंद आया। तो मैं यहीं पे खेलने वाला हूँ और यहीं पे अपना बेस भी बनाने वाला हूँ। तो अपना बेड सेट करने के बाद यहाँ पर टूल बॉक्स लगाते हैं अपना, कहने को तो ये क्राफ्टिंग टेबल है पर मैं टूल बॉक्स कह देता हूँ। तो चलो भाई हम लोग एक चेस्ट बना लेते हैं और चेस्ट को लगाते हैं यहाँ पर, जिसमें मैं अपना सारा सामान रख सकूँ ताकि मैं और फार्म करके यहाँ पर ला सकूँ। और अभी जल्दी से सारा सामान यहाँ रखने के बाद, तो मैंने सोचा कि अब सारे के सारे पेड़ जो आसपास है वो मैं काट देता हूँ। इसी से मुझे लकड़ी भी मिल जाएगी, और लकड़ी के साथ साथ जगह भी खुल जाएगी, मेरा मतलब जहाँ पे मैं अपना घर बना सकता हूँ। तो चलो भाई जल्दी से सारे के सारे पेड़ काटने मैंने शुरू कर दिए। फिर मैंने सोचा कि भाई अच्छी खासी लकड़ी जमा कर लेते, क्योंकि बहुत सारा सामान लगने वाला है। एक ब्लॉक का मैं बनाऊँगा, एक ब्लॉक का यानी कि नीचे का जो अपना बेसमेंट रहेगा वो बनाएंगे भाई, बेस बनाएंगे। तो उसके ऊपर जो होगा अपना घर होगा। तो यहाँ पे जितने भी ट्री थे मैंने सारे के सारे पहले काटना शुरू कर दिया भाई। तो ओके, इसको भी काट लेते हैं, इसको अंदर से यहाँ से, और साथ ही साथ क्योंकि जगह खुल जाएगी तो भाई मैं घर बनाऊंगा तो मुझे जोम्बीज वगैरह का खतरा नहीं रहेगा। क्योंकि आपको पता है अगर दिन हो भी जाए तो भाई जोम्बी इन पेड़ों के नीचे छुप के खड़े रह जाते हैं, जिस कारण वो जलते नहीं हैं, यानी धूप से वो जलते नहीं हैं, और वो बच जाते हैं, फिर वो हमारे लिए परेशानी बनते हैं। और ये भी अच्छा होगा क्योंकि यहाँ से जगह भी खुल जाएगी और मुझे जोम्बी का भी खतरा नहीं रहेगा, मेरा मतलब ठीक है। यहाँ पे अभी काफ़ी अच्छी लग रही है जगह, तो मैं अपना बेस बनाना शुरू करता हूँ। ओके दोस्तों, तो मैंने यहाँ पर अपने कुछ डर्ट ब्लॉक लिए हैं जो कि अभी अंदर ही आने वाली है, नीचे ही रहेगी ये। तो यहाँ पे पहले मैं एक एरिया सेट कर देता हूँ जहाँ पर मुझे अपना घर बनाना है। तो ज़्यादा बड़ा घर नहीं बनाने वाला है अभी के लिए, सिर्फ छोटा मोटा और लेकिन बहुत प्यारा सा घर बनाएंगे, जो कि हाँ सच में लगेगा भाई कि ये अपना क्या कहते हैं भाई, बर्फीली जगहों के लिए ही बना हुआ है। तो भाई देखो मैंने यहाँ पे पूरा ये एक डिब्बा बना दिया, जिसके अंदर अभी मुझे ये सारा का सारा डस्ट जो है भर देना है ताकि इसके ऊपर मेरा जो घर है वो बन सके। तो अभी शाम होने वाली है। तो भाई यहाँ पर देखो मैंने सारा का सारा काम जो कर लिया है, और अंदर सारी की सारी जो डस्ट थी मैंने भर दी, और इसके ऊपर अभी घास जो उगना वो भी शुरू हो गई। ये ब्लॉक मैंने बनाया लकड़ी से भाई, तो ये आप भी बना सकते हैं, बहुत आसान है, बस वुड लगती है। तो तीन चार वुड से ये तीन बन जाते हैं, तो वो मैंने बना लिए और साइड में लगा दिया ताकि भाई जो दूर से देखूं तो अच्छा लगे, मतलब वो ना लगे कि डर्ट से बना हुआ है, तो वो देखने में अच्छा लगेगा। तो अब क्या करता हूँ,
अब बना लेता हूँ वुडन प्लैंक, तो जो कि मेरे घर बनाने में काम आएंगे। इसी से मैं पूरा का पूरा घर बनाने वाला हूँ। अपने लकड़ी से ही घर बनाऊंगा, अभी बाद में जब कोई मटेरियल मिलेगा तो उससे हम लोग बना लेंगे, फिलहाल अभी इसी से बनाऊंगा। तो सारा का सारा अपना मेटल, ये अपनी जो क्या कहे लकड़ी का प्लैंक जो भी बनाना था मुझे वो बना लिया भाई। तो इसके बाद अपनी नींव रखनी, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ दो तीन कमरे बनाने वाला हूँ, लेकिन बनाने वाला हूँ अच्छे खासे भाई, वो वैसा घुचड़ पुचड़ नहीं करेंगे जो पहले कर रहे थे हम लोग, ठीक है। इस तरफ से दो ब्लॉक का छोड़ देता हूँ और यहाँ पर लगा देता हूँ, छोटा सा दरवाज़ा रहेगा और यहाँ पे इस साइड में लगाते थे ऐसे आई, तीन पे तीन का हो गया भाई। तो इस साइड से अभी पूरा ये कवर कर देता हूँ, तो भाई ये बहुत अच्छा लगने वाला है देखने में, क्योंकि ऐसा घर मैं पहली बार बनाने वाला हूँ। ओहो ये क्या हुआ भाई साहब, ये देखो इसी चीज़ की तो मैं बात कर रहा था। यहाँ पे देखो, अभी पहले अपनी तलवार को सिलेक्ट कर देता हूँ, इसकी तो बैंड बजानी बनती है। तो इसी चीज़ की मैं बात कर रहा था भाई, दिन हो जाने के बाद भी ये लोग पेड़ों के नीचे छुपे रहते हैं, जिस कारण ये मरते नहीं है। और एक और शॉट मारा, लेकिन अभी इसकी हेल्थ कम थी क्योंकि ये थोड़ा धूप में तो जला ही होगा, फिर आके यहाँ पे खड़ा हो गया। तो इसी वजह से मैं पेड़ों को काट रहा था, ठीक है। यहाँ से ब्लॉक दो छोड़े हैं मैंने, तो यहाँ पे भी दो ही छोड़ देता हूँ। तो इसके बाद इधर से लगाना शुरू करते हैं भाई। देखो प्लैंक मैंने काफ़ी सारे बना लिए, तो इनसे अपना काम जो है हो जाएगा, नींव का काम तो हो जाएगा, बाकी उसके लिए और लकड़ी जो है वो लगने वाली है। तो ठीक है भाई, ये बन गया इस साइड। ओके नहीं, ये गलत लग गया, इसे हटाना पड़ेगा। तो भाई दो दो ब्लॉक छोड़ रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, पूरा का पूरा मैंने ये कवर कर लिया। अभी इस साइड पे रह गया था, ये मैं बना देता हूँ कुछ ऐसा। इधर से मैं थोड़ा कम रखने वाला हूँ, इधर से एक आधा हॉल रहेगा बस, जिसके अंदर अपना सारा काम करने का सामान आएगा। और यहाँ पे छोड़ दूंगा इतनी सी जगह, यहाँ कुछ फार्म वगैरह करूँगा, इसके ऊपर छत बना दूंगा, थोड़ा बहुत फार्म के लिए बना रहेगा ना। तो भाई ये बना देंगे अपना फार्मिंग का एरिया छोटा सा, सामने भी कुछ ना कुछ बनाऊंगा पर वो बाद की बातें हैं। तो यहाँ पे लगाते हैं दरवाज़ा, देखो भी तिरछा दरवाज़ा है, आंगन टेढ़ा, लेकिन दरवाज़ा सीधा लगाना पड़ेगा भाई। ओके इस साइड ये लग गया, एक इधर लगा देता हूँ, बात बन जाएगी शायद से। तो ठीक है, दरवाजे तो सही लग चुके हैं, लेकिन भाई अभी खोल के देखते हैं ये क्या, ये आओ जी वो जाओ जी। ओके भाई ये तो आओ जी जाओ जी बन गया, लेकिन ये तो गलत है, इसी साइड से लगाना पड़ेगा। तो अभी ये बन गया, ठीक है, ये खुलेगा उस साइड में। लो जी अपना बन गया गेट, ये बन गया पूरा सही है भाई। जगह थोड़ी ऐसी थी कि मैं यहाँ पे सीधा दरवाज़ा नहीं लगा सकता था, तो ये सही है। फिर मैंने सोचा चलो एक प्रेशर प्लेट बना लेते हैं, जिससे कि ये दोनों दरवाजे खुल जाएंगे भाई। तो इधर से मुझे सिर्फ एक प्रेशर प्लेट लगानी पड़ेगी, वो बात अलग है कि बात काम ये इसी साइड से करेगा, यहीं पे ये प्रेशर प्लेट लगने वाली है। दूसरी साइड में लगाऊंगा तो मुझे दो लगानी पड़ेंगी, वो भी दोनों अलग अलग साइड पे। तो कोई बात नहीं, वो बाद की बात तो फिर देखेंगे। अभी देखो ये काम बन गया, यहाँ पे दो लगेंगी प्रेशर प्लेट, ये एक से बात नहीं बनने वाली है। तो उधर तो दोनों का एक ही ज्वाइंट मिल रहा था, इसीलिए वो बन गई, कोई बात नहीं। चलो भाई वो बन गया तो कोई बात नहीं। अभी लगाते हैं डोर भाई, डोर लगाना ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, एक इधर लग गया और दो वहाँ लग गए। यहाँ पे रहने दो, मैं इस साइड पे जो बाहर का एरिया है ना, पहले बाहर से आने वाली वो बंद कर देता हूँ दरवाजे। इसके बाद मैंने सोचा कि जो अपना मेन दरवाज़ा है ना भाई, उसके ऊपर ये वाले वुड लगाते हैं, इसको स्क्वायर वुड बोलते हैं, और ये अच्छा लगेगा देखने में, कम पड़ गया थोड़ा और बना लेता हूँ, इसको स्क्वायर वुड बोलते हैं भाई। ये बना लेते हैं, ऐसे बनेगा ये, थोड़ा सा बस वुड एक्स्ट्रा लगता है, ये कम बनेगा, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी इसको मैं बना लेता हूँ, ये ऐसे दिखेगा, इसके ऊपर बन जाएगी छत, वो जो ढलान वाली छत होती है ना भाई, स्पेशल बर्फ़ वाली छतों छतें होती है, मतलब जहाँ से बर्फ़ नीचे फिसल के आ जाए, वैसा कुछ दिखाएंगे, पर इसमें इससे फिसलेगी तो नहीं, पर देखने में अच्छा लगेगा। देखो भाई अभी एरिया काफ़ी अच्छा दिखने लग गया है, तो ये बहुत अच्छा लगने वाला है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको सब कवर कर देता हूँ, पहले हम लोग देख लेते हैं कि कैसा लग रहा है। इधर से भी बंद कर देता हूँ, ये काफ़ी अच्छा लगेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि पहली बार मैं ऐसा घर बना रहा हूँ ना, तो भाई बहुत मज़ा आने वाला है, ये बहुत प्यारा होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। इसको ऊपर से तो इतना ही रखेंगे, अगर मुझे कुछ बनाना तो मैं उसके अंडरग्राउंड कर दूंगा पूरा, दूसरी साइड पहाड़ी की साइड, इधर तो नदी आ गई ना, नीचे पानी मिल सकता है भाई, तो वो बनाने का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। तो मैं इसको अंडरग्राउंड बनाऊंगा, सीधा पहाड़ी की तरफ नीचे से, ऊपर से अपना ये बेस जो ऐसा ही रहेगा। तो अब मैं जल्दी से क्या करता हूँ, सारा का सारा कवर कर देता हूँ पूरी वुड के साथ, ये सारी दीवारें जो खड़ी कर देते हैं, उसके बाद छत का काम रह जाएगा, वो फिर लगा लेंगे हम लोग। ओके तो पहले जो अपना दीवारें खड़ी कर देते हैं भाई। तो लो दोस्तों अभी एक एक वॉल तो लगा दी कि कोई अंदर घुस ना सके। तो थोड़ी देर और मत्था मारने के बाद भाई मुझे लगा कि वो जो डोर मैं बना रहा था वो ठीक था, पर यहाँ पर मैंने ऐसे ही ये सीढ़ियाँ बनाकर इसी वुड की लगाई, तो वो भाई दिख ही नहीं रहा था, दूर से देखो तो कुछ साफ मज़ा नहीं आ रहा था। और यहाँ से वो डोर हटा के मैंने इस साइड पे लगा दिया है, कुछ ये ऐसा दिख रहा है। तो अब ये मुझे पहले के मुकाबले ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये मैंने यार कोबलस्टोन की सीढ़ियाँ बना के लगा दिए, ताकि ये थोड़ा देखने में अलग तो लगे भाई, वरना वो मैं वुड की ऐसी लगा रहा था, वो इसका रंग एक ही जैसा हो गया, तो वो अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा चलो ऐसे ही कर लेते हैं भाई, थोड़ा रंग बिरंगा बना दे कि कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब इसके बाद मुझे क्या करना है भाई, ये ऐसा दिख रहा है, इसके ऊपर ये बना दूंगा ऐसे पूरा वी साइज, उल्टा वी बना देंगे भाई।
एक जैसा समझ लो ए बना देंगे भाई, तो इस साइड से ऐसा ही रहेगा, उस साइड से वैसा रहेगा। जैसे इस साइड में इसका मुंह है ऐसा ही बना दूंगा इसकी छत को भी, और दूसरी साइड से उसको ऐसा बना दूंगा, तो ये बहुत प्यारा लगने वाला है। और एक चिमनी होगी भाई जिसके अंदर हम लोग अपनी कैंप फायर लगाएंगे, अंदर से धुआं बाहर जाएगा, वो भी बड़ा प्यारा लगेगा। तो ये दरवाजे मैंने लगा दिए कुछ ऐसा है भाई, ये थोड़ा दूर है वहाँ नहीं चाहिए, ये थोड़ा बीच में लगाते हैं, क्योंकि एक एक ब्लॉक रहेगा दरवाजे के इधर और एक रहेगा उधर, तो ऐसे लगने वाले हैं ये दो भाई। इधर से पूरा ये मस्त देखो, पूरा गुफा वाला फीलिंग आएगा कि या किसी गुफा में घुस गए। तो काफ़ी तगड़ी वॉल लगा दी है मैंने अपने दरवाजे के लिए, और ये रहा अपना इधर का दरवाज़ा, यहाँ पे भी मैं एक दूसरे दरवाजे लगा दूंगा जिसके बाद ये भी कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने खिड़कियाँ रख दी है भाई, इधर से मैंने दीवार को थोड़ा सा कम कर दिया ताकि ये और भी अच्छा लगे, ये सिर्फ मैंने चिपका दिया इसके साथ, ये अभी ऐसे ही लगेगा क्योंकि ये डोर लगा हुआ ना भाई, तो डोर का कुछ नहीं कर सकता भाई। तो उसके बाद रह गया हमारा फेंस भाई, घर तो बन गया उसकी छत रह गई है बस, तो अभी बाहर की सेफ्टी ज़रूरी है जिसके कारण कोई ज़ॉम्बी यहाँ पे घुस ना सके, और भाई वो होगा फेंस के साथ। अभी फेंस के लिए मुझे स्टिक चाहिए और अपनी जो वुड प्लैंक है वो चाहिए, तो मैं बना लेता हूँ स्टिक, काफ़ी सारी बना लेते हैं। मेरा मतलब यहाँ पे काफ़ी सारे ये बनने वाले हैं फेंस, वो लगने वाले, तो अब रह गई अपनी फेंस बनानी, तो फेंस बना लेता भाई। देखो काफ़ी सारे फेंस बनाऊंगा ताकि पूरा कवर हो जाए और कोई भी जॉम्बी कूद करके अपने घर के पास ना आ सके, बस नीचे रहेगा, इसलिए मैंने उसको एक ब्लॉक ऊंचा रखा है। तो ये बन गए, तो ठीक है दोस्तों अभी चलो हमारा काम बन चुका है, सारे के सारे फेंस मैंने बना लिए, तो अब हम लोग फेंस लगाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे लग रहा है कि मुझे इसे थोड़ा सा और बढ़ा लेना चाहिए, अगर मैं फेंस लगाऊंगा तो ये जगह बंद हो जाएगी मेरे, ये बना लेता हूँ थोड़ा सा और यहाँ पर और बना देता हूँ उसको आगे की तरफ, यानी कि हमारा जो ये सामने का हिस्सा रहेगा ना ये थोड़ा बड़ा रहे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, और बाकी हम फिर देख लेंगे भाई। इधर मैं लगा देता हूँ ताकि फेंस के साथ भी दरवाज़ा बंद ना हो, मेरा मतलब रास्ता बंद ना हो, जो अगर अगल बगल मुझे जाना भी पड़े तो इसी चीज़ की बात कर रहा हूँ यार, तुम समझ ही गए होगे, मैं भी समझा नहीं पा रहा हूँ यार। तो चलो अभी फेंस लगाते हैं भाई कुछ इस तरह से, मैं इस चीज़ की बात कर रहा था, अगर मैं फेंस लगाता तो यहाँ पे दरवाज़ा बंद हो जाता, रास्ता बंद हो जाता, और अब यहाँ से मैं आ जा सकता हूँ देखो ऐसे, तो फिर वो दरवाजे के साथ फेंस टकराता तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता भाई। इधर से अभी फेंस लगाना शुरू करते, ये कुछ डिज़ाइन भी बन जाएगा, वो डिज़ाइन जैसा लग रहा है, ये बन गया कुछ ऐसे, बढ़िया भाई। तो अभी देखो दोस्तों ये हमारा बन गया सामने का हिस्सा, पूरे फेंस में सारे के सारे यहाँ पे लगा दूंगा, एक फेंस यहाँ पर लगा देते रह गया था, तो ये थोड़ा आधा लग रहा था भाई, अब बिल्कुल सही लग रहा है, अब दिखने लग गया कि हाँ कोई घर बन रहा है। तो चलो फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं सारे फेंस, पूरा का पूरा इसको कवर कर देता हूँ ताकि भाई ज़ोंबी किधर से भी एंट्री ले ना सके, ये गलत लग गया, इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटा देते हैं भाई। तो अभी देखो ये एक ब्लॉक तो नीचे का होगा, ऊपर ये फेंस लग गया, यानी अभी कोई बाहर से कूद के अंदर नहीं आ सकता भाई, हाँ ये सेफ्टी के लिए ही होता है भाई मेरे। तो इसको यहाँ पे लगा देते हैं इस साइड पे भी, और इसी से अपनी घर की जो शो है वो और भी बढ़ जाएगी भाई, बहुत ख़त्म हो गए, रुक जाए, उसके दरवाजे के बिल्कुल सामने ख़त्म हो गया। और हाँ फेंस तो मुझे यहाँ लगाना भी नहीं था भाई, मैं पूरी लाइन खींच के लेके जा रहा था, अभी ये इसके दरवाजे के सामने से फेंस भी हट गए, तो इनकी भी सीढ़ियाँ बना दूंगा बाद में, कोई बात नहीं, अभी मैं सिर्फ इतना बना रहा हूँ। देखो अभी तो हम लोग क्या करते हैं, अपना सिर्फ घर बना रहे हैं, तो उसके बाद जाएंगे एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि बोला यार मैं ना माइनक्राफ्ट के अंदर अपना घर बनाना बहुत पसंद करता हूँ, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि मैं अपना घर किस हिसाब से बनाऊँ, किस डिज़ाइन का बनाऊँ, तो इसीलिए मैं सबसे पहले अपना घर ही बनाता हूँ। तो देखो दोस्तों आज काफ़ी मेहनत हो गई, आपने पूरा मतलब अपना घर तो खड़ा कर ही दिया, अब रह गई सिर्फ छत इसकी, तो सीढ़ियाँ मैंने कुछ इस तरह से लगा दी थी, तो अंदर का तो अभी कुछ नहीं करा मैंने, अंदर बाहर का ऐसे ही है बस, बाहर से डेकोरेशन ऐसी अच्छी कर रहा था। तो ठीक है दोस्तों आज की वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मैं मिलूँगा आपको किसी और नई वीडियो के अंदर, आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद। और भाई घर तो कंप्लीट कर ही देंगे अगली वीडियो के अंदर, उसके बाद हम लोग जाने वाले हैं पूरा एक्सप्लोर करने के लिए, तो अभी बस और कुछ नहीं है वीडियो के अंदर भाई, मैंने काफ़ी खेला आज गेम को, तो इससे ज़्यादा मैं खेल नहीं पा रहा, क्योंकि आपको पता है एक चीज़ को लगातार खेलना बहुत मुश्किल होता है। ओके दोस्तों मिलता हूँ किसी और नई वीडियो के अंदर, अभी के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।